हम लोग फिर अब शुरू करते हैं अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एरिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के पास पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये एरिया काफ़ी रेगुलरली एग्जामिनर की तरफ से चेक किया जाता है पास पेपर एनालिसिस अगर मैं ओपन करूं तो डे वन डे वन में मैंने आपके साथ पास पेपर एनालिसिस शेयर किया था तो हम इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं जिससे हमें ये ज़रूर पता चल जाएगा कि एग्ज़ामिनर इसको कैसे कैसे पूछ रहा है इस एरिया को जी जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज चैप्टर नंबर टेन ऑफ योर बुक और अगर आप देखें कि बिल्कुल जो रिसेंट अटैम्प्ट गुजरी है उसमें फोर फोर और फोर फाइव यानी कि फोर नंबर जो क्वेश्चन था वो आपका एम सी क्यूज का क्वेश्चन था इसमें से दो एम सी क्यूज पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन नंबर सेवन था ये पूछा गया है ये कार्स के मुतल गाड़ियों से मुतलिक एक सवाल था जिसमें आपकी रिवर्स वर्किंग भी होनी थी और सारा कुछ तो इनशाला वाला जो क्वेश्चन है जो ये सात नंबर सवाल था बिल्कुल रीसेंट अटैम्प्ट का इसको हम लोग करेंगे ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था सीधी सीधी वर्किंग्स थे इसमें बहुत ज़्यादा बल नहीं थे तो हम लोग इन ये वाला सवाल करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बिल्कुल उससे पीछे वाली अटैम्प्ट में एम आया इसमें से एक एम आया और एक सवाल भी आया क्वेश्चन नंबर वन ठीक है जी विच वॉज आई थिंक अबाउट कॉस्ट कॉम्पोनेंट्स कॉस्ट कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं इन आज हम ये वाला सवाल भी डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी और उनको कैसे डालना था और फिर आप ये देखें कि उससे बिल्कुल पीछे वाली अटैम्प्ट में चार एम ऐसे थे जो कि इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एरिया में से आए और फिर एक क्वेश्चन नंबर सिक्स भी था जो इस एरिया में से आया था यह भी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग करेंगे ये ये लेटेस्ट अटेम्प्ट के तीन लेटेस्ट अटेम्प्ट के तीनों सवाल हमारे एजेंडा में शामिल हैं हम लोग इनशाला तीनों क्वेश्चन करेंगे फिर दो अटेम्प्ट में इस एरिया से स्टैंड अलॉन क्वेश्चन नहीं आया यानी कि इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आया बल्कि इन एरियाज में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के क्वेश्चंस जो है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आया आया यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सवाल आया, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एक या दो एडजस्टमेंट्स थी तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रीसेंट अटम्प्ट में क्वेश्चन आया है और इसके बाद क्वेश्चन नहीं आया आ, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आया यानी कि इसमें क्वेश्चन नहीं आया ये बात ऐसे नहीं है ये बात ऐसे है इस एरिया में ये तेईस नंबर या ये बाईस नंबर में प्रॉपर्टी प्लांट ये फाइनल अकाउंट का जो एरिया है इसमें क्वेश्चंस ऐड होके आए थे ठीक है जी ये रिवर्सल वाला बिल्कुल ये लास्ट अटैम्प्ट में आया था हमें ज्यादा तो इतनी कोई हैवी रिवर्सल वर्किंग नहीं है लेकिन हम करेंगे ज़रूर बड़ा मजे का ये सवाल है अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं सो so, जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के एरिया में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें से सवाल आता है आ, एक तो इंडिविजुअल स्टैंड लॉन्न क्वेश्चन आता है फिर फाइनल अकाउंट के साथ मिला के सवाल आता है मिली जुली परफॉर्मेंस होती है इस एरिया में बच्चों की कुछ बच्चे इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं कुछ बच्चों को बिल्कुल कुछ चीज़ों की समझ नहीं आती जैसे उन्हें लगता है अब देखें अगर आपको ये लगता है कि आपको रिवर्सल वाला जो वो सवाल है वो नहीं करना आता या आपको डिस्पोजल वाला एरिया की समझ नहीं आती कि डिस्पोजल कैसे करना है तो ये कुछ ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बैक पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरिया लैक कर रही है यानी कि यू माइट बी स्ट्रगलिंग इन द बेसिक एरिया कि यार ये एक्चुअली डेप्रिसिएशन होती क्या है और हमने इसको क्यों करना है जब आप यहाँ से इस चीज़ को कवर अप करना शुरू करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप इंशाल्लाह एक अच्छी पोजिशन में होंगे अगर आपके पास वो वाला क्वेश्चन आता है तो ठीक है तो हम लोग ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम लोग चलते हैं अपने एजेंडा की तरफ कि हम लोगों ने इस सेशन में क्या क्या चीज़ें करनी है वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखेंगे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इज़ इसके कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसमें क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं होनी चाहिए परचेज प्राइस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और फ्यूचर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट वगैरह ये कुछ चीज़ें आती हैं फिर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने के बाद हम एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि सबसिक्वेंट एडिशन रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह या अगर आप मेजर पार्ट्स की रिप्लेसमेंट करते हैं या मेजर इंस्पेक्शन करते हैं तो वो किस तरीके से हैंडल करते हैं रिपेयर मेंटेनेंस तो चलें ठीक है ये बेसिक uh, चीज़ है हम लोग रिप्लेस ऑफ मेजर पार्ट्स या मेजर इंस्पेक्शन वगैरह जो हैं इनको डिस्पोजल के साथ मिला के पढ़ेंगे ठीक है जी तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये थोड़ी नीचे मूव हो जाएंगी कॉस्ट के मतलब कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं uh, कुछ और रूल्स हैं जिनको जेन में रखते हुए हम लोग आगे चलेंगे फिर ये स्प्रिंग ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर वन शंगरीला एंटरप्राइजेस का जो क्वेश्चन था ये uh, सवाल था विच वॉज अबाउट कॉस्ट कॉम्पोनेंट ये डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन के तमाम मेथड्स जो हैं स्ट्रेट लाइन मैथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिस जिसमें मशीन आवर्स और यूनिट uh, बेसिस की बात होती है और सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड की बात हम लोग करेंगे ये चार मेथड्स हम लोग इनको बस मतलब क्विकली देख लेंगे इनके फॉर्मूले वगैरह बस डिस्कस कर लेंगे आई एम वेरी श्योर कि ये सारे मेथड्स आपको आते हैं ठीक है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग या एंट्रीज करने के लिए दो डिफरेंट मैथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकोलेटेड यानी कि कॉस्ट अकाउंट अलग, अलग बनता है और अकोमोलेटेड अकाउंट अलग बनता है दिस इज वन वे एंड देन देर इज अनदर वे जिसे हम नेट बुक वैल्यू मैथड कहते हैं नेट बुक वैल्यू मैथड इज द मैथड जिसमें हम एक सिंगल अकाउंट बनाते हैं और डेप्रिसिएशन की तमाम एंट्रीज उसी के अंदर करते हैं डिस्पोजल के बारे में बात करेंगे डिस्पोजल की वर्किंग्स के बारे में बात करेंगे कि डिस्पोजल क्या होता है इसके अलावा डिस्पोजल के साथ ही आपने एक और चीज़ भी देखनी होगी विच इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट या जब आप एक एसेट लेते हैं और दूसरा उसकी जगह पे आके ला के लगा लेते हैं तो इस तरह की चीज़ों में इस तरह की वर्किंग में आपने क्या क्या चीजें करनी है देन देर इज़ अनदर थिंग जो कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है वर्किंग बैक ऑफ कॉस्ट फ्रॉम डब्ल्यू डी वी या नेटबुक वैल्यू एट एंड स्ट्रेट लाइन ये एंड है ठीक है जी नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड की वर्किंग काफ़ी इजी होती है लोगों के लिए लेकिन नेट बुक वैल्यू या डब्ल्यू डी वी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है इसके ऊपर जो कैलकुलेशन करते हैं ये काफी मुश्किल हो जाती है बच्चों को इसको करने के लिए फिर हम लोग ऑटम ट्वेंटी का क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे आबे हयात मर्चेंट ये वो क्वेश्चन था जो बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट में आया है जिसमें रिवर्स वर्किंग थी आ, एक सेम डाटा की रिवर्स वर्किंग करनी थी आपने विद स्ट्रेट लाइन मेथड और फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन की रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी आपने रिवर्स वर्किंग करनी थी विच वॉज नॉट ए डिफिकल्ट थिंग एट ऑल हम अगर उन चीज़ों को प्रस्पेक्टिव को जेन में रखते हुए देखेंगे तो फिर हम उसे कर पाएंगे फिर ये रिविजन ऑफ एस्टिमेट्स रेट यूजफुल लाइफ रेजिडुअल वैल्यू इन तीन चार चीजों में से कोई भी अगर चीज चे, चेंज हो तो हम लोग रिविजन के बारे में बात करते हैं एक चीज़ जेहन में रखिएगा कि रिविजन ऑफ एस्टिमेट्स वगैरह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है हम सिर्फ एक या दो मिनट के इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर कहीं कभी Uh, कोई चीज जो है ना वो किसी जगह पर डिस्कस हो जाए तो आपको पता हो कि इसको कैसे हैंडल करना है ठीक है जी सो दिस विल बी द प्लान फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अब हम वन बाय वन इन चीजों को डिस्कस करना शुरू करेंगे मैं पहली जो uh, हमारा कॉन्सेप्ट है विच इज कॉस्ट ऑफ एसेट एंड इट्स कॉम्पोनेट इसके ऊपर बात करने लगा लगाऊ कि जनाब एसेट की कॉस्ट और कॉम्पोनेट क्या होते हैं हम शुरू करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट एसेट आपको पता है दो तरह के होते हैं एक होता है जनाब जिसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट एंड देन इज इज अनदर थिंग कॉल्ड करंट एसेट करंट और नॉन करंट एसेट्स के दरमियान जो बाइफर्केशन है या जो डिवीजन है वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू में पढ़ी थी और मैंने आपको कहा था कि चैप्टर नंबर टू जो है ये आप लोगों ने इनकी डेली बेसिस पे एक वीडियो देखनी है तो आ, इसको समराइज मैं कर देता हूँ कि हम लोग ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं ऐसे एसेट्स को करंट एसेट्स कहते हैं विच आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इन टू द कैश ये कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स राइट नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स या ऐसी चीजें जो कि आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में आती है इस तरह की चीज़ों को हम लोग नॉन सॉरी करंट एसेट्स कहते हैं और इनको करंट एसेट्स के अंदर लिखते हैं जबकि नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि एंटिटी के कंट्रोल में होते हैं और एंटिटी ने इसको इस्तेमाल करते हुए कोई फ्यूचर बेनिफिट हासिल करना होता है ठीक है जी तो ये जो फ्यूचर बेनिफिट एंटिटी इस एसेट से हासिल करती है वो उसकी मदद से कोई ना कोई इनकम हासिल करती है कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी के अंदर कोई बेनिफिट हासिल करती है एंड सो ऑन तो ये जो एसेट्स होते हैं जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जनाब मोर देन मोर देन ट्वेल्व मंथ्स के लिए ये एसेट्स यूज हो सकते हैं या मोर देन मंथ्स इनकी यूजफुल लाइफ नॉर्मली होती है हम लोग जब एसेट्स की बात करते हैं तो इस चैप्टर में एसेट्स से मुराद है जनाब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इसके अलावा तमाम एसेट्स जो के कंपनी के रिसोर्सिस हैं कंपनी के पास हैं और कंपनी ने बिजनेस ने उनको इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर के प्रॉफिट्स हासिल करने ठीक है तो सबसे पहली जो तो चीज़ है वो ये है कि जब हम इस एसेट को परचेज करते हैं तो इसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी तो आपको पता है कि आई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हैंडल करता है आई ए एस तो आई ए एस ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ एसेट कि जब भी कभी आप कोई एसेट परचेज करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी कॉस्ट इज द एन अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इकवलेंट कैश और कैश इकवलेंट जो आप पे करते हैं कैश इकवलेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं चेक आ सकता है क्योंकि लोग जो है ना वो बहुत ही तेज होते हैं वो कहते हैं अच्छा इसका क्या मतलब है कि अगर हमने चेक से पेमेंट की तो वो इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी क्यों क्योंकि आपने तो कैश लिखा है तो स्टैंडर्ड ने कहा कैश या कैश इक्विवेलेंट कैश के मतलब जितनी भी कैश जैसी चीजें हैं बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं जो कैश के इक्विवेलेंट हैं या कोई रिसीवेबल आपने साथ में जो है ना वो फोर कर दिए कि जनाब ये चीज ले लो और मुझे एक एसेट दे दो तो। यानी कि उसको लेने के लिए आपको जो जो भी अपने एसेट्स देने पड़े वो तमाम एट द फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू द एसेट एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ठीक है जनाब तो ये जो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन है इसकी एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने लगा हूँ नॉर्मली फर्ज करें कि आपने एक बंदे से कोई एसेट परचेज करना है और उस बंदे को आप कहते हैं कि यार तुम्हारी ये जो एसेट है ना इसकी कॉस्ट है दो लाख रुपए ठीक है एक लाख रुपए जो है वो मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ और एक लाख रुपये मैंने तुमसे लेने थे तो वो उसके साथ एडजस्ट कर लो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक लाख रुपये हैं ये कैश है जो मैंने उसको दिया और ये वाले जो एक लाख रुपए हैं ये कैश इक्विवेलेंट है जो मैंने इसको दिया कैश इक्विवेलेंट नहीं ये है क्या कहते हैं उसे चलो इसकी दोनों दो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कहते हैं इसमें पचास हजार जो है वो हमने बॉन्ड्स दिए और पचास हजार रुपये हमने उससे रिसीवेबल थे तो वो हमने इस तरीके से उसको दो लाख रुपए पूरे करके दे दिए एक लाख रुपया जो दिया दैट इज कैश ये जो पचास हजार रुपये के प्राइस बॉन्ड दिए ये कैश uh, इक्विवेलेंट है और ये जो पचास हजार रुपये थे ये है फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन मेरी कुछ चीजें थी मेरे कुछ रिसीवेबल्स थे जो मैंने इसको सरेंडर कर दिए मैंने कहा जाओ अब वो तुम ले लेना ठीक है और जब वो तुम ले लेना या मेरे इसी से रिसीवेबल थे वो हमने छोड़ दिए उसको दे दिया ये नहीं कि यार जाओ तुम्हें माफ कर दिया हमने वो पैसे तुमने हमें ये दो लाख रुपए का प्लांट जो है ना ये दे दिया तो इन तमाम चीजों को ऐड करके आप इसकी कॉस्ट बनाएंगे तो स्टैंडर्ड 16.16 और 16.17 में कॉस्ट के मतलब कुछ और चीज़ें बताता है वो कहता है कि इसकी जो परचेज़ प्राइस होगी इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ और नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस ऐड करने हैं इंपोर्ट ड्यूटीज़ क्या होती है जब आप चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो आपको आ, आ, जो इंपोर्ट के टाइम पे जो टैक्स पे करने पड़ते हैं उनको इंपोर्ट ड्यूटीज़ कहते हैं ठीक है जी नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस से मुराद ऐसे टैक्सेस जो कि आपको रिफंड नहीं होंगे जो कि आपकी जेब से गए और अब आपको वापस नहीं मिलेंगे नॉर्मली जो सेल्स टैक्स होता है वो रिफंडेबल होता है क्यों क्योंकि आपने जो सेल टैक्स देना होता है वो आप वहाँ से पकड़ते हैं कस्टमर से और वो आगे दे देते हैं ठीक है जी इफ यू आर फाइनल कंज्यूमर तो आपका जो सेल टैक्स होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है बारह लब क्योंकि आपने टैक्स नहीं पढ़ा तो आपको इन चीज़ों में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर इन चीज़ों को आपसे इतना ज्यादा चेक नहीं कर रहा होगा लेकिन वो बताएगा कि ये नॉन रिफंडेबल है आपने हमेशा टैक्सेस के अंदर से नॉन रिफंडेबल या रिफंडेबल का वर्ड कंसिडर करना है जो रिफंडेबल टैक्स होगा वो आप उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे और जो रिफंडेबल टैक्स नहीं होगा वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बना देंगे ठीक है जी नॉन रिफंडेबल चार्जेस जो है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे यानी कि जो जो आपको देना पड़ा ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह एडजस्ट कर लिए जाएंगे इसका मतलब वही है जो हम लोग अभी तक लेते आए हैं कि अगर एक चीज पचास हज़ार की है और आपको फोर्टी एट थाउजेंड की दे रहा है तो एक्चुअली आपके लिए जो प्राइस है वो फोर्टी एट थाउजेंड है आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको अपने पास एज ए कॉस्ट कंसिडर करना है एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अच्छा ये वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल से मुराद ऐसी कॉस्ट होती है कि आपका बिजनेस चल रहा है लेकिन आपको एक ऐसा काम करना पड़ा एक ऐसा खर्चा करना पड़ा जो कि ना करना पड़ता अगर आपने ये एसेट परचेज ना करना होता तो उसे हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एसेट्स कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कहते हैं ठीक है जी टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहती है कि ये यूजेबल हो उस तरीके से लाने के लिए रखने के लिए पेंट करने के लिए उसको उस उस हिसाब से सेट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो सारी की सारी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी ठीक है जी इसके अलावा एम्प्लॉई कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट एसेट को परचेज करने के लिए या उसको आ, किसी जगह पे क्लियर कराने के लिए आपको एक बंदा भिजवाना पड़ा आ, कराची में और कराची जाके उस बंदा वहां बंदा वहाँ पे चार पाँच दिन रहा उसने वहाँ पे ट्रैवलिंग की उसने वहाँ पे खाना सना खाया ये खर्चा आपको ना करना पड़ता अगर आपने ये एसेट परचेज ना करना होता तो दिस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट ठीक है जी दिस विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट देन अगर आपने कोई ऐसा एसेट परचेस किया है जिसको यूज करने के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी यानी कि कोई ऐसा आपको ग्राउंड बनानी पड़ेगी जो जमीन से थोड़ी सी ऊंची है कोई फर्श ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर वो सेट हो जाएगा साइडों पे आपको डिफरेंट Uh, जो है ना वो सरिया और सीमेंट लगा के कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर वो मशीन रखी जा सके तो इसे हम कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन कहते हैं नॉर्मली आपको ज़मीन में कुछ डिग करना पड़ेगा बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर मशीन आके रखी जाएगी ठीक है सोन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसे हम साइट प्रिपरेशन कॉस्ट कहते हैं ये भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट अगर एक चीज आ गई है जिस जगह पे आपने लाना है तो उसको वहाँ तक लाने में जितनी आपको कॉस्ट लगानी पड़ी उसे हम इनिशियल डिलीवरी या हैंडलिंग कॉस्ट कहते हैं ठीक है जी यानी कि कोई शिपिंग कॉस्ट है उसके अलावा आपने को बंदे हायर किए जो इसको लोड कर रहे हैं मशीन के गाड़ी के अंदर फिर अनलोड कर रहे हैं गाड़ी से इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी इसकी जो टेस्टिंग कॉस्ट है ये आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी अच्छा ये जो टेस्टिंग कॉस्ट है ना दिस मीनस के जनाब आप लाए हैं आपने लाके इसको चेक किया है इसकी फर्ज करें कि उसमें कोई गैस प्रेशर्स आपने चेक करने हैं गैस प्रेशर्स चेक किए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेस्टिंग कॉस्ट में आती है यानी कि दिस इज आल्सो डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन मैनेजमेंट चाहती है कि ये इस पोजिशन में आ जाए कि ये यूज हो जाए तो ये इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी प्रोफेशनल फ्री फॉर सच एज आर्किटेक्चर एंड सर्वेयर फीस आर्किटेक्चर और सर्वेयर को जो फी आप पे करते हैं डैट शुड ऑल्सो बी एडेड इन द कॉस्ट ठीक है जी क्यों क्योंकि वो उस एसेट को चलाने के लिए जरूरी है ठीक है जी फिर स्टैंडर्ड ने कहा कि ऐसी कॉस्ट जो कि आपको फ्यूचर पे भी इस एसेट पे लगानी पड़ेगी उनका भी एक एस्टीमेट लगाएं और उसको भी इस कॉस्ट का पार्ट बनाएं फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा प्लांट लगाया जिसको बाद में डिसमेंटल करना पड़ेगा और उसको डिसमेंटल करने की एक बड़ी हैवी कॉस्ट है ठीक है जी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम आपने देखा होगा कि कभी कभार अगर कोई रोड बन रहा हो तो वहां पे किसी एक जगह पे वो लोग आ जाते हैं वहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स ला कर रख लेते हैं जिनमें ऑफिसेस होते हैं जहां पे उनका स्टाफ रहता है वहां पे वो होटल भी सेटअप कर लेते हैं उनका जो वर्कर्स uh, हैं वो वहां से खाना खाते हैं वर्कर्स वहां पे टेंटों में रहते हैं दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड टेम्परेरी प्लेसमेंट uh, के लोग वहाँ पे आके रहना शुरू कर देते हैं ठीक है अच्छा फिर जब वो वो काम वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे वो वहाँ से उस एसेट को हटाएंगे तो फिर उन्हें वहाँ से वो अपना तमाम चीज़ें उठा ले के लेके जानी पड़ेंगी कुछ चीज़ें तोड़ के वहीं पे फेंकनी पड़ेंगी एंड सो ऑन तो इस तरह की चीज़ को हम कॉस्ट ऑफ़ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग कहते हैं तो अगर कंपनी ने एक प्लांट कहीं पर फिक्स किया है और वो प्लांट जो है वो आपको आ, इसकी यूजफुल लाइफ के बाद वहाँ से डिसमेंटल करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा तो इस तरह की भी कॉस्ट को उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको डिफरेंट टाइप कॉस्ट कंपोनेंट्स दे और आपसे कह सकता है कि बताएं जरा क्या ये चीज कॉस्ट का पार्ट बनेगी तो यू विल से अगर आपको रिमूव करना है एसेट अगर आपको साइट रिस्टोर करनी है तो फिर आपको उसके ऊपर जो एडिशनल कॉस्ट उस वक्त लगानी पड़ेगी आज से पांच साल दस पंद्रह साल के बाद जब वो एसेट डिसमेंटल हो रहा है तो वो भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसका इनिशियल एस्टीमेट आज लगाएं आप और उसको भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनाएं ठीक है जी ये चीजें स्टैंडर्ड ने बताई फिर उसके बाद कौन कौन सी चीजें जो कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी कैन नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस ठीक है जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस ऐसे एक्सपेंसिस को कहते हैं जो कि Uh, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रखा हुआ है जो कि नॉर्मली इस तरह की चीजें करता है और उसको हमने जो है ना वो एक्सपेंसिस हमने कहा कि यार ये इसने ऑफिस में बैठ के लोगों से बात की और लोगों से जो है ना वो सारे काम करवाए तो चले इसकी कॉस्ट का भी थोड़ा सा कंपोनेंट ऐड कर दें इट डज नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं ठीक है जी आगे चलते हैं ओपनिंग न्यू फैसिलिटी न्यू मार्केटिंग और प्रोडक्ट लॉन्चिंग अच्छा एक मशीन को लाने के लिए आपने पूरी फैक्ट्री परचेज की और फैक्ट्री परचेज करने के बाद आपने उसमें जो है ना वो जगह ली और वो सारा कुछ दिस इज व्हाट वी कॉल ओपनिंग न्यू फैसिलिटी ये जो न्यू फैसिलिटी आपने ओपन की है इसको शायद एक अलग कॉस्ट के तौर पे तो इसको लगाना पड़ेगा अलग कॉस्ट के तौर पे इसको ऐड करना पड़ेगा बट द थिंग इज के Uh, इसको अलग एसेट के तौर पे हम मेंटेन uh, कर सकते हैं कि जी हमने बिल्डिंग ली है हमने प्लांट लिया है अगर परचेज़ किया है लेकिन इसको उस प्लांट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं एक नया प्लांट लगाने लगे हैं और उसकी सेल करेंगे जैसे एक प्रिंटिंग कंपनी जो है वो लेज़र प्रिंटिंग मशीन ले आती है और लोगों को मार्केट करना शुरू कर देती है या एक प्रिंटिंग कंपनी जो किताबें बनाती है वो तस्वीरें प्रिंट करना शुरू कर देती है वो अपना स्टूडियो लगा देती है जिसे हम पिक्चर स्टूडियो कहते हैं जहाँ से आजकल जाके आप पासपोर्ट साइड तस्वीरें बनाते हैं अगर ये लोग वो काम भी करना शुरू कर दें उसके लिए एक स्पेसिफिक मशीनरी ले आए तो और उसकी मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के वक्त जब आप कभी कभार ऐसे होता है ना आप एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें लोगों को बुलाते हैं प्रोडक्ट लॉन्चिंग और उसकी मार्केटिंग करते हैं और उसकी मार्केटिंग के वक्त जो आपको खर्चा करना पड़ा डैट शुड ऑल्सो नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट वो एसेट की कॉस्ट के लिए नहीं है ठीक है हाँ वो वो आप बहुत सारे खर्चे कर रहे हो जिसमें से एक खर्चा एसेट परचेज करना भी है ठीक है जी अच्छा आगे चलते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम परचेज ऑफ एसेट ठीक है जी ये आपने इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना है जब आप ने फर्ज करें कि आपने एक एसेट परचेज किया दो लाख रुपए का और दो लाख रुपए का एसेट परचेज करने के लिए आपने बैंक से लोन ले लिया और वो लोन भी दो लाख रुपए का था आपको पता है कि जब आप एक लोन लेते हैं उसके ऊपर कोई एक इंटरेस्ट रेट बैंक आपको चार्ज करता है फर्स्ट करें आपने पाँच सालों में उसको वापस करना है और ये जो पाँच सालों में आपने इसको वापस करना है इसके ऊपर जब आप इंटरेस्ट वगैरह ऐड करेंगे तो मे भी कि ये जो अमाउंट दो लाख रुपये है ये दो लाख नब्बे हो जाए ठीक है ना जी आपको पता है कि हम जितनी भी पेमेंट्स करते हैं, उन सब की टोटल करें, तो वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू से ज्यादा, होती है, क्यूं? वो आपने ज्यादा पैसे पे है। तो आपने ये नहीं कहना कीसेट दो लाख का, का ही है बाकी जो एडिशनल कॉस्ट आपने इसमें परचेज की है वो इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ एसेट जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे लोन के ऊपर वो एक्चुअली आपकी अपनी गलती की वजह से आपने लोन लिया ना आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने एसेट परचेज करना था एसेट का तो कोई कसूर नहीं है एसेट की वैल्यू तो वही है जो जिस, जिसके ऊपर वो परचेज हो रहा है और हमें पता है हमें स्टैंडर्ड कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में कि भाई साहब आपने एसेट की वैल्यू को ओवर नहीं करना है एसेट उतने का नहीं लिखना जितने आ, मतलब आपको लग रहा है या इसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं करना ठीक है जी दो तीन बच्चों के सवाल आए इनको भी डिस्कस करूंगा मैं हम आगे चलते हैं रीलोकेटिंग और शिफ्टिंग ऑफ एन एसेट एसेट एक दफा आपके पास आ गया और उसके बाद आप उसको उठा के किसी और जगह लेके जाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि यार ये इस कमरे में नहीं किसी और कमरे में अच्छा लगेगा उधर फिट करना चाहिए था हालांकि इस कमरे में भी वो ठीक से सेट होके यूज हो सकता था आपने फैक्ट्री में एक रूम में एक मशीन सेट की और आपको पता लगा कि यार ये तो शोर ही बहुत करता है जिसकी वजह से जो मालक है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो बड़े लोग हैं उनके कमरे तक आवाज जाती है तो इसको कहीं और रीलोकेट कर लेते हैं ठीक है जिसका शायद और कोई बेनिफिट हो लेकिन एसेट को एसेट uh, uh, की प्रोडक्शन के ऊपर एसेट की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर ना पड़े तो इस तरह की सिचुएशन में जो रीलोकेशन करने या शिफ्टिंग की जो कॉस्ट होती है वो भी आपके एसेट का पार्ट नहीं बनती है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस अगर आप एसेट को स्टार्ट किया आपने और शुरू शुरू में उसके कोई लॉसेज आना शुरू हो गए लॉसेज वगैरह जो भी किसी एसेट को स्टार्ट uh, करने से उसको चला के उसके एसेट्स को uh, उसकी चीजों को बेच के आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो डैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट एट ऑल ठीक है जी अच्छा इसमें दो तीन क्वेश्चन आए हैं एक बच्चे ने कहा है कि जी आ, सर ए पी आपकी वॉइस अच्छा इज रिपेयरिंग कॉस्ट एडेड इन टोटल कॉस्ट नहीं जनाब रिपेयर वगैरह अगर कुछ होता है जो कि आपकी गलती की वजह से चीजें जो है ना वो खराब हो गई हैं तो रिपेयरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी एडेड इन द ऑपरेटिंग इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट ठीक है जी रिपेयरिंग कॉस्ट भी एड नहीं होगी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ठीक है ये वो तमाम चीजें जो कि कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी कॉस्ट ड नॉट इंक्लूड तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी डेट शुड बी योर रिपेयर कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या करना है जी फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला बता दें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले आपने फाइनेंस में पढ़े हुए हैं ठीक है जी उसकी जरूरत यहाँ पे अभी नहीं है सच अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो फ्यूचर का बेस्ट ये जो डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू ऐड करनी है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड नहीं करनी होती है ठीक है ये जेन में रखिएगा आपने इनिशियल एस्टीमेट लगाना है कि उस वक्त हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे फर्स्ट करें कि मैं कहता हूं कि उस वक्त हमें पांच लाख रुपए डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग के लिए देने पड़ेंगे तो आज एसेट की कॉस्ट में मैं पांच लाख रुपए ही एड करूंगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू एड नहीं करूंगा ठीक है जी अच्छा जी सर इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो हम ऐड नहीं करते नहीं जनाब इंस्टॉलेशन कॉस्ट एड करनी पड़ती है क्यों क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही होती है और कंडीशन ये थी कि वो तमाम कॉस्ट जो कि इसलिए लगती है कि एसेट उस कंडीशन में आ जाए जिस कंडीशन में मैनेजमेंट उसको इनिशियली यूज करना चाहती थी तो उस जगह पे ला के रखने तक उस एसेट की कॉस्ट के एसेट के ऊपर जितने खर्चे आएंगे वो सारे उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे ठीक है सर तो इसलिए बात यह है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है डेड इज ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग वो लाजमी तौर पे कॉस्ट का पार्ट बनेगी अब देखें आपने कोई चीज परचेज की है आपने अपने घर में पानी की मोटर लगवाई है वो आठ हजार की मोटर आई है और आपसे पूछे हाँ जी मोटर लगवाने में कितना खर्चा आएगा तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि आठ हजार खर्चा आएगा आपने बोर करवाना है बोर का खर्चा आएगा आपने उसकी इलेक्ट्रिक की वायरिंग करानी है उसका इलेक्ट्रिक वायरिंग का खर्चा आएगा आपने उसको पानी के पाइप के साथ सेट करना है तो पानी के पाइप के साथ सेट होगा उसकी कपलिंग होगी फिर उसके बाद वो मोटर चलाएंगे तो वो चलेगी ठीक है लेकिन अब देखें अगर आपसे कोई बंदा कहता है यार मैंने भी अपने घर में ये वाली मोटर लगवानी है तो आप उसे वो तमाम खर्चे बताएंगे जो आपको मोटर लगवाने में लगे हैं और वो कहते हैं नहीं जनाब मेरे घर में तो बिजली भी नहीं है तो आप उसे कहेंगे ठीक है तुमने मीटर लगवाना है तो मीटर लगवाने की कॉस्ट मोटर लगवाने की कॉस्ट में थोड़ी ऐड करेंगे आप वो तो एक अलग चीज़ है ठीक है उसके बगैर मतलब मीटर लगवाना जरूरी नहीं था हर बंदा जो है वो उसका मीटर लगा होता है सिर्फ इसका एडिशनल खर्चा था तो वो हम कह सकते हैं कि ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी तो ओपनिंग ए न्यू फैसिलिटी मींस के मीटर लगवाना था तो वो आप मीटर भी लगवाएंगे लेकिन उसकी कॉस्ट अलग होगी ठीक है जी नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट भी बता दें देखें नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस वगैरह जो होते हैं वो अभी ये देखें नीचे नजर आ रहा है सब्सिक्वेंट चेंजेस एडिशन एसेट कॉस्ट वगैरह ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर दूंगा मैं शवकत साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज द रीजन अब मुझे नहीं पता कि किससे पहले मेरी आ, आपने क्या सवाल पूछा था जिसके आंसर में मैंने आपको कोई बात की थी और जिसके आंसर में आपने कहा था व्हाट इज द रीजन तो आप पूरा क्वेश्चन दोबारा पूछ लें कि सर ये जो चीज आपने बताई है इसकी क्या रीजन है तो फिर मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा ठीक है जी सर रिपेयरिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं आती देखें रिपेयरिंग कॉस्ट इज समथिंग जो कि हर किसी को नहीं करनी पड़ती ठीक है आप सोचे ना कि मैंने अगर मोटर लगवाई है घर में पानी की और मैं आपको कहता हूं कि यार पानी की जो मोटर लगवाई है ना वो मुझे मोटर दस हजार की पड़ गई आप कहते हैं वो कैसे यार वो मैंने आठ हजार की मोटर ली थी दो हजार मेरे से लाते हुए गिर गई थी तो मैंने जो है ना वो उसको वेल्ड करवाया है या उसको सही करवाया तो फिर वो दो हजार तो आपके ख्याल में आप जब मोटर लगवाएंगे तो क्या आप भी मोटर लाते हुए गिरा देंगे क्या आपको भी वो दो हजार लगाने पड़ेंगे नहीं लगाने पड़ेंगे तो फिर कॉस्ट में वो चीज शामिल नहीं होनी चाहिए जो कि उसकी उसके जो हर बंदे के लिए रेलेवेंट नहीं है ठीक है जी उम्मीद है आपको इस तरीके से समझ आई होगी कि ये जो वर्ड है ना ये बहुत जरूरी है ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ बींग ऑपरेटेड कैपिटल ऑफ बींग ऑपरेटेड

इसको एंड पे छोड़ देते हैं और एग्जामिनर ने बिल्कुल अभी एक एक अटैम्प्ट छोड़ के उससे पीछे वाली अटैम्प्ट में वही तमाम चीजों को पूछ लिया जो कि आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई थी जिसकी वजह से उसके अंदर बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया तो हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद मैं आपको यहाँ से अपने लैपटॉप में से देख के ये बता दूंगा कि एग्जामिनर ने क्या बताया है इस सवाल के बारे में ठीक है जी हम लोग आगे चलते हैं सबसिक्वेंट एडिशन uh, या रिप्लेसमेंट्स की बात करते हैं एसेड की कॉस्ट के अंदर जो चीजें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि सब्सिक्वेंटली अगर आपको एसेट के ऊपर कोई खर्चे करने पड़ रहे हैं तो वो कैपिटलाइज नहीं होते हैं दिस इज द रूल ठीक है इस रूल की कुछ एक्सेप्शन है जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा लेकिन ये रूल समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास मशीन है आप उसकी डे टू डे सर्विसिंग कर रहे हैं उसकी ऑयलिंग कर रहे हैं वो चलने से पहले आप उसको एक दफ़ा चलाने से पहले चेक करते हैं आप उसको हर महीने के बाद एक दफ़ा बंद करके उसकी सफ़ाई करते हैं उसकी सर्विस कराते हैं जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो ये वाली जो तमाम चीज़ें हैं ये किसी भी आइटम की कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए ये एक्सपेंस आउट होंगी ठीक है जी दिस विल बी द एक्सपेंस अच्छा रिपेयरिंग कॉस्ट आपकी एक्सपेंस होगी ये ऐड नहीं होगी आप ओवरहॉलिंग वगैरह कराते हैं ऐसी ओवरहॉलिंग जो कि इसलिए करवा रहे हैं कि फैक्ट मशीन जो है वो ठीक से चले इसमें कोई मसला ना आए तो उसे हम एक्सपेंस आउट करते हैं अच्छा इन तीनों चीजों के अलावा एक और चीज यहाँ पर डिस्कस की जा सकती है विच इज ओवर या सर्विसिंग इक्विपमेंट सर्विसिंग इक्विपमेंट अब सर्विसिंग इक्विपमेंट क्या होता है फर्स्ट करें कि आपके पास एक बहुत बड़ी मशीन है जिसको सर्विस करने के लिए स्पेसिफिक टाइप के टूल्स चाहिए जिसको सर्विस करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का ऑयल चाहिए जिसको सर्विस करने के लिए कोई ऐसे पार्ट्स चाहिए जो कि रेगुलरली आपने रिप्लेस करने होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें बेरिंग वगैरह रेगुलरली रिप्लेस करने होते हैं वरना उसके बेरिंग में से आवाज आना शुरू हो जाती है ठीक है इस तरह की जो चीजें हैं ये तमाम चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके स्टॉक में भी पड़ी होती है हम लोगों ने बात की ना कि स्टॉक के अंदर दो तीन चीजें होती हैं अगर आपको याद हो आई एस टू के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि स्टॉक के अंदर तीन चीजें होती हैं एक आपका वो वाला स्टॉक होता है जो ट्रेडिंग में होता है ट्रेडिंग स्टॉक स्टॉक के अंदर दूसरी चीज वो होती है जो वर्क इन प्रोसेस होती है डब्ल्यू आई पी जिसे हम कहते हैं ठीक है तीसरी चीज जो होती है उसमें रॉ मटेरियल फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस तीनों चीजें आती है ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर ये आपने सेल सेल के लिए रखा हुआ है फिर वो स्टोर्स स्पेस एंड लूज टूल्स ये वाला वर्ड भी यूज किया जाता है कि यूज़ टूल्स ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी होती है अपने डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर सर्विसिंग एकमेंट वगैरह जो होता है ये जब तक इस्तेमाल नहीं होता ये उस वक्त तक स्टोर स्पेयर एंड लूज टूल यानी कि आपके स्टॉक का पार्ट होता है इसकी एग्जाम्पल्स आप लोगों ने नहीं पढ़ी है लेकिन यह है कि एग्जामिनर इस चीज में से पूछ सकता है कि स्टोर स्पेयर स्टोर स्पेयर की जब आप कंजन करेंगे तो उसकी क्या एंट्री करेंगे जब स्टोर स्पेयर एंड लूज टूल्स जो है ये कंज्यूम हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑयल कंज्यूम हो जाता है टूल्स कंज्यूम हो जाते हैं आपने एक्स्ट्रा नट बोल्ट रखे हुए हैं आपने एक्स्ट्रा बेयरिंग्स रखे हुए हैं छोटे छोटे फिल्टर्स इस फैक्ट्री उसके अंदर लगते हैं आपके मशीन के अंदर जो के यूज होने के बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं तो इस तरह की चीजें जिनकी वैल्यू इतनी मटेरियल नहीं है फॉर एग्जांपल आपका एसेट दो मिलियन का है और ये जो फिल्टर है ये दो हजार रुपए का आता है ठीक है जी तो इम मटीरियल वैल्यू है इसके हिसाब से तो इस तरह की जो चीजें होती है टूल्स ऑयल्स बेयरिंग फिल्टर्स वगैरह ये तमाम चीजें आप जब परचेज करते हैं तो आप उसको स्टॉक में लूज टूल्स में डाल देते हैं फर्स्ट करें कि मैंने बीस हजार रुपए का सामान परचेज किया तो इसकी मैं एंट्री कुछ इस तरीके से करूंगा कि मैं कहूंगा स्टोर स्पेर्स एंड लूज टूल्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट दो बीस हजार रुपए से ठीक है जी मैं ये इस तरीके से इसकी एंट्री करके इसको अपने पास अपने स्टॉक में रख लूंगा और जब कभी ये यूज हुआ करेंगे मैं देखूंगा कि कितने यूज हुए हैं फॉर एग्जाम्पल इसमें से पैंतीस सौ की चीजें यूज हो गई हैं तो स्टोर स्पेयर एंड लूज टूल्स में से निकाल के वो मैं सर्विसिंग एक्सपेंस में डाल दूंगा सर्विसिंग एक्सपेंस डेबिट सर्विसिंग एक्सपेंस डेबिट स्टोर स्पेर्स एंड लूज टूल्स क्रेडिट विद द अमाउंट पैंतीस सौ रुपए ठीक है जी तो दिस इज वॉट वी कॉल सर्विसिंग इक्विपमेंट सर्विसिंग इक्विपमेंट की एंट्री भी बता दी और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये क्या चीज होती है ये इनिशियली आपके स्टॉक में पड़ी होती है स्टॉक के अंदर ऐड होकर नजर आती है लेकिन जब ये यूज हो जाती है तो आप इसको सर्विसिंग एक्सपेंस के तौर पे या किसी भी और नाम से कोई एक एक्सपेंस अकाउंट खुला होता है जिसमें आप एसेट uh, की कॉस्ट वगैरह डाल रहे होते हैं तो आप इसको वापस शिफ्ट कर देते हैं दिस इज वट वी कॉल कॉस्ट ऑफ एसेट एंड ऑल रेलिवेंट थिंग्स इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें फिर हम लोग आगे चलते हैं एक बच्चे ने कहा सर आप ये कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं और पूछ के गायब हो गया भाई मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही करवा रहा हूँ आप क्यों परेशान हो रहे हैं जी जनाब एक बच्चे ने पूछा है सर ये लास्ट लेक्चर जितने हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे जी बिल्कुल मिल जाएंगे वो नियर पेयर की वेबसाइट पे अपलोडेड है एज आई टोल्ड यू अर्लियर आप नियर पेयर की वेबसाइट से जाके वो चीजें देख सकते हैं अच्छा कॉन्सेप्ट uh, uh, में चेंजेस के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोग ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब कभी आप एसेट्स को परचेज करते हैं तो उस वक्त उसकी जो कॉस्ट वगैरह वो आइडेंटिफाई करने के बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में कभी एक बार ऐसे होता है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के एसेट्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के एसेट्स के अंदर आपको कुछ ऐसी एडिशंस कर लेते हैं आप कुछ ऐसी एडिशंस करनी पड़ती है जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी इंक्रीज होने से मुराद यह है एफिशिएंसी कहते हैं कि एक घंटे में वो चीज कितनी प्रोडक्शन करती है वो मशीन फॉर एग्जांपल पहले एक मशीन एक घंटे में एक हजार यूनिट प्रोड्यूस करती थी ठीक है जी और अब वो एक घंटे में 1200 सौ यूनिट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं उसने तो एक ऐसी चेंज एक ऐसी अपडेट एक ऐसा काम जिससे कि वो मशीन जो है वो अपनी इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसके ऊपर हम उसको परचेज करके लाए थे उससे भी ज्यादा स्पीड से ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन करना शुरू कर दे तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह एक ऐसी एडिशन है जिसने उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर दी सिमिलरली प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो जाए जैसे हम लोगों ने बात की कि पहले हजार यूनिट्स बनाती थी या बारह हजार बारह सौ यूनिट्स बनाना शुरू कर दिए या पहले हजार यूनिट्स बनाती थी और अब बारह सौ यूनिट्स बनाती है उसी स्पीड से चलती है लेकिन 1200 सौ यूनिट्स बनाए हैं यानी कि पहले इसमें 10 डाइज होती थी एक वक्त में 10 चीजें बन रही होती थी अब इसमें 12 डाइज हो गई ठीक है एक चीज को बनाने में वक्त अभी भी उतना ही लगता है लेकिन क्योंकि अब आपने 10 की बजाय इसमें 12 डाइज बन गई हैं तो यस दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ठीक है कोई ऐसा काम आपने कर दिया जिससे उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई है ठीक है जी यानी कि पहले इसकी यूजफुल लाइफ थी पांच साल अब उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो दस साल हो गई ठीक है अब यहाँ पे भी मटीरियलिटी को कंसिडर करना जरूरी है क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि जब आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं जब आप उसकी सर्विसिंग करते हैं तो फिर भी तो उसकी जिंदगी उसकी लाइफ बढ़ जाती है यस yes, वो बड़ी माइनर सी इंक्रीज होता है ठीक है जब आप एडिशनल कोई भी आइटम ला के मशीन के अंदर लगा देते हैं जिससे कि एकदम से बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है तो दैट चेंज कैन बी कि ये एसेट के अंदर इंक्रीज हुआ है ठीक है जी तो ये जब भी एसेट के अंदर इंक्रीज होता है आपको एसेट की कॉस्ट को अपडेट कर देना चाहिए उसे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देना चाहिए और उसको आपने डेप्रिसिएट करना शुरू कर देना है ठीक है जी दिस इज वॉट वी कॉल एडिशन दैट इज इंक्रीजिंग द दफिशंसी प्रोडक्शन कैपेसिटी और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स इन तीनों में से कोई एक चीज को बड़ा कंसिडरेबल हद तक इंक्रीज कर दे तो वो जो एडिशन आपने उस मशीन के अंदर की है वो मशीन जो है ना वो उसकी कहलाएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीजल इंजन था एक ऐसी मशीन थी जिस जो डीजल से चलती थी आपने उसमें सी एन जी किट लगवा ली अभी जो सी एन जी किट है अगर इसकी यूजफुल लाइफ वगैरह बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपके एसेट की यूजफुल लाइफ है तो फिर आपको ये वाली एडिशन कैपिटलाइज करनी पड़ेगी क्यों क्योंकि वो इसकी प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर रही है ठीक है प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है ठीक है जी कभी कभार ऐसे हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज कर दी कि जिसकी वजह से उस एसेट की यूजफुल लाइफ जो है ना वो इंक्रीज हो गई सही है तो जब उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो गई है और कंसिडरेबली uh, इंक्रीज uh, हुई है तो फिर उसके इसमें हम उसको ऐड करेंगे देन देर इज अनदर थिंग विच इज़ कॉल्ड मेजर इंस्पेक्शन नॉर्मली कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंस्पेक्शंस करवाना ज़रूरी होती है अब इसकी मिसाल मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि यू हैव एन ए मशीनरी एक बहुत बड़ी मशीन है इसको हम कह लेते हैं नॉर्मली ये एयरक्राफ्ट में होती है ये चीज़ यानी कि जहाज वगैरह में होती है इसके अलावा अटोमिक इक्विपमेंट में होती है इसकी एक एग्जाम्पल जो आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूं वो है जी सी एन जी किट्स ठीक है सी एन जी किट्स कह लें या फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर ले फर तो वैसे एक छोटी चीज़ होती है इसके ऊपर जो इंस्पेक्शन वगैरह उसका इतना खर्चा नहीं होता लेकिन अगर हम बात करें सी एन जी किट्स की तो आप लोगों में से जिन लोगों ने सी एन जी को इस्तेमाल किया हुआ है आपको पता है कि गवर्नमेंट का ये रूल है कि आपने हर साल अपना जो सी एन जी किट का सिलेंडर है उसको इंस्पेक्ट करवाना है और उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देती है और उस स्टिकर के ऊपर एक स्टैंप लगा देती है जिससे पता चल जाता है कि ये सी सिलेंडर ये सी किट जो है ये बिल्कुल ठीक है सही है और अगर आप सोचे कि चलें आपके पास तो एक छोटी सी गाड़ी है हम लोगों ने इससे पहले बात की कि एक मशीन के अंदर वो डीजल पे चलती थी उसके ऊपर सी एन जी गेट लगा दी गई तो आप सोचे तो सही कि वो सी एन जी का सिलेंडर कितने बड़े बड़े होंगे जो पेट्रोल पंप होते हैं अगर आपने इनमें से देखा हो किसी सी एन जी पेट्रोल पंप के ऊपर जाए सी एन जी पंप के ऊपर जाए तो उन्होंने पीछे बहुत बड़े बड़े लोहे के अम्म टाइप रखे होते हैं तीन तीन चार चार जिसके अंदर सी एन जी होती है और उस साइड पे किसी गाड़ी को भी जाकर खड़ा नहीं करने देते क्योंकि उसके अंदर वो एल होती है सी नहीं एल होती है तो वो जो एल है उसका जो सिलेंडर है उसकी एक मेजर इंस्पेक्शन आपको शायद हर महीने करानी होती है गवर्नमेंट वाले आते हैं वो देखते हैं उसकी इंस्पेक्शन करते हैं उसके ऊपर लिख के चले जाते हैं कि ये सी जो जी एल का जो सिलेंडर है ये बिल्कुल ठीक है क्यों क्योंकि अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता अगर इसमें से कोई भी इस तरह का मसला हो तो वो इतनी ज्यादा गैस होती है जो इर्द गिर्द के लोगों को बीमार कर सकती है इर्द गिर्द के लोगों को की जानों को भी खतरा हो सकता है अगर वो फट जाए तो आपको पता है जब छोटे सिलेंडर फटते हैं तो क्या होता है तो वो तो बहुत बड़ा सिलेंडर है राइट सो द थिंग इज इस तरह की चीजों की रेगुलरली uh, आपको इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है और उन, उस इंस्पेक्शन की कभी कभार काफी कंसिडरेबल कॉस्ट होती है फॉर एग्जाम्पल अटोमिक इक्विपमेंट जो है अटोमिक एनर्जी कमीशन के अंदर अगर आपके पास एक ऐसा मशीन uh, है जो कि इस तरह की चीजों को हैंडल कर रही है तो उसकी एक रेगुलर इंस्पेक्शन होगी इंस्पेक्शन के अंदर आपने ये देखना होगा कि इफ दैट इंस्पेक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एसेट और उसके बगैर एसेट जो है वो यूज नहीं हो पा रहा तो उस एक्स इंस्पेक्शन को आपने अलग से सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना है ठीक है जी अगर तो वो एनअल है यानी कि साल में एक दफ़ा आपको लाजमी तौर पे करानी पड़ती है तो डेफिनेटली वो तो पूरी की पूरी एक साल की जो कॉस्ट है वो आप सीधा सीधा एक्सपेंस में डाल देंगे क्योंकि उसको एक्सेट में भी डाल के डालने के बाद उसको यूजफुल लाइफ तो उसकी एक साल ही है तो एसेट में डालने के बाद उसको फुली डेप्रिसिएट उसी साल में करना पड़ेगा तो ये एक अच्छा तरीका कार नहीं है हाँ अगर इंस्पेक्शन ऐसी है जो आपकी पाँच साल तक चलनी है और उसके ऊपर आपने मेजर कॉस्ट अनकर की है तो आप उसको भी एक सेपरेट एसेट के तौर पे रेकेगनाइज करें और उसको पांच सालों पे डेप्रिशिएट करें अब आप कहेंगे कि सर ये तो एक टेंजिबल एसेट ही नहीं है हम इंस्पेक्शन की रिपोर्ट को या इंस्पेक्शन के स्टिकर को कैसे रेकेगनाइज करेंगे वो उसकी तो इतनी वैल्यू नहीं तो का है तो वो कागज का टुकड़ा है तो एक्चुअली ये जो इंस्पेक्शन होती है या जो इस तरह के लाइसेंसेस वगैरह होते हैं इनको हम इनटेंजेबल एसेट कहते हैं क्यों क्योंकि ये भी एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप सामने रखते हुए जिसको आप इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं तो जनाब ये जो इनटेंजेबल एसेट है इसको जब हम लोग पांच सालों में डेप्रिसिएट करते हैं तो उसको डेप्रिसिएट करने की बजाय उसको कहते हैं अमोर्टाइज करना ठीक है जी तो अमोर्टाइज हो या डेप्रिसिएट हो ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है यानी कि एक ही तरह का कॉन्सेप्ट देते हैं लेकिन डेप्रिसिएट नॉर्मली हम लोग टेंजेबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं और अमोटाइज कवर्ड हम लोग इन टेंजेबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं ठीक है जनाब तो अगर आपको लग रहा है कि एक घंटा होकर हम कॉस्ट और उसकी चीज़ों के बारे में ही बात कर रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ों में भी फोकस करना चाहिए एग्जामिनर इस एरिया में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अब फर्स्ट करें कि आपने जो है ना वो फाइव ईयर्स के लिए वन मिलियन रुपीज जो है वो पे किए हैं फॉर इंस्पेक्शन तो आप ईयर वन में सबसे पहले इन टेंजिबल एसेट को रेकग्नाइज करेंगे आप कहेंगे कि जी एसेट और कैश क्रेडिट बाय द अमाउंट मिलियन और क्योंकि आप हर साल इसको यूज करते चले जा रहे हैं और ये पांच सालों के लिए यूज होना था तो एवरी ईयर हर साल आप जो इसमें एंट्री करेंगे दैट विल बी के अमोर्टाइजेशन

इसे हम कहते हैं कि ये ओवरहॉलिंग सॉरी मेजर इंस्पेक्शन की कॉस्ट है राइट ठीक है सर आप तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को लेकर चलेंगे यू यू मे गेट ए क्वेश्चन इन एग्जाम के, के जिसमें वो आपको कहे कि सब्सिक्वेंटली हमने एक ऐसी एडिशन की है एसेट के अंदर जिससे उसकी जो है वो uh, uh, जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो गई है प्रोडक्शन कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो गई है इन दिस केस वी विल कैपिटलाइज दिस एक्सपेंस कैपिटलाइज करने से बना दिया कि हम इन खर्चों को भी एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और इनको डेट uh, करेंगे ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ राइट ठीक है जरा आप लोगों के क्वेश्चन की तरफ जाते हैं सर uh, अगर हम सी एन जी किट लगाएं लेकिन कोई खास चेंज नहीं हुई परफॉर्मेंस में बस सी एन जी सस्ती पर पड़ रही है तो क्या हम उसको भी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे सर सी एन जी किट मटीरियल नहीं है प्लांट के आगे देखें अगर तो आप सिर्फ इसलिए उसको कर रहे हैं कि आपकी उसके ऊपर जो डे टू डे कॉस्ट है जैसे फॉर एग्जांपल आपने उसको चेंज कराया है सिर्फ इसलिए कि आपकी वो जो एफिशिएंसी है वो वो चेंज हो जाए यानी कि आपकी जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए पेट्रोल की जगह आप उसको तो इससे आपकी क्या इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज ठीक हुई है एफिशंसी ऑफ प्रोडक्शन ठीक है वो चेंज नहीं हुई गाड़ी तो उसी स्पीड से चल रही है जैसे पहले चलती थी या हो सकता है थोड़ी कम स्पीड से चल रही हो आपने सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बचाने के लिए आपने सी एन जी किट लगवाई है ठीक है जी या गाड़ी में सी एन जी किट लगवाई है या जनरेटर में तो इस तरह की कॉस्ट को आपके एसेट का पार्ट नहीं बनना चाहिए क्यों क्योंकि उससे आपकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज नहीं हो रही बस आप ये है कि आपके आपका उसके ऊपर कोई और जो खर्चा आ रहा है वो आप बचाना चाह रहे हैं वो आपका बच रहा है तो फिर आपने उसको इस तरीके से कर लिया ठीक है जी तो CNG की जो कॉस्ट है वो इसके अंदर जी जनाब कोई और सवाल अच्छा कॉस्ट के मतलब कुछ और लीजिए लैंड की डेप्रिसिएशन के मुतालिक आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी मीनस भी बनी है कि लैंड को डेप्रीसिएट नहीं करते हैं और जो लोग लैंड को डेप्रिशिएट करते हैं वो उनको देखना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं लैंड के साथ ठीक है लैंड डेफिनेटली एक कंपनी की ओनड लैंड होती है कंपनी उसको ओन कर लेती है तो जो भी बिजनेस की ओनरशिप में लैंड है उसको डेप्रिशिएट नहीं किया जाएगा ठीक है जी अच्छा इसमें एक चीज होती है कि हम लोग 99 नाइन की लीज पे आप लैंड ले सकते हैं गवर्नमेंट से ठीक है एग्जामिनर इस चीज को पूछ सकता है ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आपने 99 या 100 इयर्स की लीज के ऊपर गवर्नमेंट से लैंड परचेज की हुई है तो देन दिस लैंड शुड बी इस डेमिनिशिंग इसकी वैल्यू डेमिनिश हो रही है आपको पता है कि जैसे जैसे साल गुजरता जा रहे हैं आप इस लैंड को फिर यूज़ नहीं कर पाएंगे तो इस लैंड को परचेज करने के लिए अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड मिलियन दिया है तो पर ईयर आपको वन समथिंग मिलियन जो है वो आपको रिकगनाइज करना पड़ेगा एज ए डेप्रिसिएशन क्योंकि लैंड अब आपकी वाकई रिड्यूस हो रही है इन अदर केसेस नॉर्मली इस तरह के सैनैरियो इतने ज्यादा होते नहीं है इन अदर केसेस नॉर्मली जो लैंड जो है वो डेप्रिशिएट नहीं होती है लेकिन लैंड के मतलब एक और चीज में रखिएगा कि लैंड इम्प्रूवमेंट और लैंड कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होती है फॉर एग्जांपल आपने जमीन परचेज कर ली है जमीन परचेज करते वक्त जमीन की कॉस्ट में आपने जो भी चीज़ें शामिल करनी थी वो कर ली जमीन परचेज की जमीन के पैसे दिए उसके ट्रांसफर फीस दी या ऐसे टैक्सेस दिए जो नॉन रिफंडेबल हैं तो ये तमाम टैक्सेस है ना उस लैंड की कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे लेकिन ज़मीन आपके पास आ गई और नुँँ। नुँँ। आपने ज़मीन के ऊपर अपने इस्तेमाल के लिए कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दिया उस जमीन की लेवलिंग की उसमें मिट्टी डाली उसमें जो है वो आपने चारदीवारी बनाई फर्ज करें कि आप उसको पार्किंग के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो दैट इज़ कार्ड लैंड इम्प्रूवमेंट ठीक है जी तो लैंड को थोड़ा बहुत बेहतर किया आपने कि आप उसको जिस भी इंटेंडेड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप कर लें तो जो लैंड इम्प्रूवमेंट है उसको हम लोग अलग से एज एन एसेट रिकेगनाइज करते हैं उसके ऊपर जितनी कॉस्ट होती है और फिर उसको देखते हैं कि कितनी देर तक जो है ना ये यूज हो सकती है ठीक है नॉर्मली लैंड इंप्रूवमेंट भी काफी सारी देर तक इस्तेमाल हो सकती है लैंड इंप्रूवमेंट करते 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 हमने इतनी लैंड इंप्रूवमेंट कर दी कि उसके ऊपर बिल्डिंग बना दी तो हम बिल्डिंग को अलग रेकग्नाइज करते हैं लैंड को अलग रेकग्नाइज करते हैं बिल्डिंग को नॉर्मली दो तीन परसेंट पर एप्रीशिएट किया जाता है क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिल्डिंग जो है वो अप्रॉसीमेटली फिफ्टी ईयरस तक तो कहीं नहीं जाएगी अगर पचास साल तक आप इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करते रहें तो ये बिल्डिंग आपको बेनिफिट देगी पचास साल के बाद नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिल्डिंग को डिसमेंटल किया जाएगा बिल्डिंग को गिराया जाएगा और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जाएगी आपने देखा होगा आपको फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के गिराने की जो वीडियोज हैं वो आपको नजर आती होंगी तो वो लोग गिरा देते हैं क्यों क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो चुकी है जो आपने बुक्स में रखी थी और कंपनी इतनी सियानी होती है कि वो इस चीज़ को जहन में रखती है कि आज से पचास साल के बाद ये लैंड हमें ये जो बिल्डिंग है ये हमें दोबारा बनानी पड़ेगी तो वो अभी से उसके लिए कोई ना कोई सिंकिंग फंड क्रिएट कर देते हैं तो जैसे ही बिल्डिंग के पचास साल पूरे होते हैं कंपनी बड़ी खुश होती है कंपनी कहती है नहीं जी अब हम नई बिल्डिंग बनाएंगे तो उस वक्त चाहे वो बिल्डिंग बिल्कुल भी बहुत ही अच्छी क्यों ना हो लेकिन उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है क्यों क्योंकि उसकी यूजफुल

एसेट जो है वो इस्तेमाल के काबिल आ गया अब लोगों को सिखाना कि इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करना है दैट शुड नॉट बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट क्यों क्योंकि ये हर बंदे को नहीं करनी पड़ेगी अनटिल अनलेस अनलेस ठीक है जी कि ये कोई ऐसा एसेट है जो दुनिया में कोई नहीं चला सकता सिवाय उसके जिसने बेचा है और नॉर्मली लोग इस एसेट को चलाने के लिए इस चीज़ को आ, करने के लिए हर दफा हर बंदे को लाजमी तौर पे इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तो वो इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है ठीक है जी देर इज अनदर थिंग जिसके बाद हमारे एसेट्स की कॉस्ट के मुतालिक जो डिस्कशन है वो खत्म हो जाएगी दैट इज के फर्ज करें कि आपने एक एसेट परचेज किया वो एसेट ला के आपने फिट किया उसके ऊपर बहुत सारी खर्चा वगैरह किया और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि चले हम इसका टेस्ट रन करते हैं ठीक है जी पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है मशीन लाए आपने उसमें टेस्ट रन किया टेस्ट रन करने के बाद आपने उससे कुछ यूनिट्स बनाए और वो यूनिट्स आपने पचास रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेच दिए सौ यूनिट्स बनाए थे तो जरा पांच हजार रुपए आपको बचत हो गई है पांच हजार रुपये इनफ्लो हुए हैं उन यूनिट्स को सेल करने के जो यूनिट्स आपने टेस्ट रन में बनाए थे तो हम लोग अभी तक ये करते आए हैं कि टेस्ट रन के अंदर जो यूनिट्स बनाए होते हैं जो सैंपल के तौर पे जब आप इसको चलाते हैं तो आपको जो जो पैसे उसमें बचते हैं वो सारे के सारे पैसे या आपके इनफ्लोज होते हैं ये कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल एसेट था दो मिलियन का और आपने जब उसको टेस्ट रन किया अभी आपने उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की और आपने उसमें से जो पाँच हज़ार रुपये कमा लिए उसके यूनिट्स को सेल करने के वो हम उसमें से माइनस करके कहते हैं कि जनाब ये बीस लाख का नहीं है बल्कि उन्नीस लाख पचानवे हजार रुपए का एसेट है ठीक है जी हम ये कहते होते कहते होते हैं ठीक है इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि एसेट को इंटेंडेड कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे हैं वो ऐड होने चाहिए और जो भी आपको उसमें से बचत है वो माइनस हो जानी चाहिए ठीक है जी तो ये अभी तक हम लोग ऐसे करते आए हैं सिमिलरली एक और चीज होती है कि एसेट लाए आप उसकी पैकिंग जो थी वो आपके पास आ गई और वो जो पैकिंग थी वो ऐसी थी कि जो पैकिंग हम लोगों ने जो है ना वो पंद्रह हजार की उसकी पैकिंग ही सेल कर दी ठीक है उसके ऊपर टेप लगी हुई थी उस वो एक लकड़ी के बॉक्स में आया था उसके ऊपर गत्ता लगा हुआ था तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो हम लोग एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं ठीक है क्यों क्योंकि ये हमें एसेट की कॉस्ट के अंदर से बचत हो गई है कुछ स्क्रैप वगैरह लेकिन जेन में रखिएगा एक चीज के ये yes, इसलिए करते थे इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं थी लेकिन अब आई ए एस बी ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन दे दी है गौर से सुन लीजिएगा एक शायद आप लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा बात होगी लेकिन स्पेसिफिक गाइडलाइन दे दी है जो कि एप्लीकेबल है 2021 से ऑनवर्ड ठीक है जी सॉरी 2022 से ऑनवर्ड है आप लोगों के लिए एग्जाम रेलिवेंट नहीं है उन्होंने कहा है कि अगर आप एसेट का टेस्ट रन करते हैं तो जो पैसे बचते हैं वो आपने एसेट की कॉस्ट में से माइनस नहीं करने या आपकी अदर इनकम होगी दूसरी चीज अगर आपको उसकी पैकिंग मटेरियल सेल करके कुछ बचता है तो वो भी आपकी अदर इनकम होगी वो कॉस्ट में से माइनस नहीं होगी अभी अगर आपको ये जो अपकमिंग अटेम्प्ट इसमें ये वाला सवाल आ जाए कि टेस्ट रन के कुछ यूनिट्स आ जाते हैं या पैकिंग के कुछ यूनिट्स आ जाते हैं आपको पैकिंग से कुछ बच जाता है पैकिंग को बेच के तो वो आपने एसेट की कॉस्ट में से माइनस करना है ठीक है जी अच्छा आगे चलते हैं सवाल पूछा है सर बट डेप्रिसिएट नहीं एप्रिसिएट हुई है हाँ नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर लैंड जो है उसकी वैल्यू में इंक्रीज आता चला जाता है सारी दुनिया में क्योंकि उसके डिमांड करने वाले लोग ज्यादा होते हैं और उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लैंड की कॉस्ट में लैंड की जो प्राइस है उसमें इंक्रीज आता चला जाता है हम लोग एप्रिसिएशन को नहीं पढ़ रहे हैं जब भी किसी चीज़ की वैल्यू में इंक्रीज़ आता है और उसकी फेयर वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ियाँ थी आज से पाँच साल पहले आपने एक गाड़ी ली तो आज आप उसको जिस अमाउंट पर आपने पाँच साल पहले परचेज़ किया था उससे शायद दो तीन लाख महंगी बेच सकते हैं उसकी वैल्यू में इंक्रीज आ गया वैल्यू में इंक्रीज़ वगैरह को हम डिस्कस नहीं करते हैं सही है जनाब। सो दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ़ कॉस्ट। कॉस्ट अब हम से जना क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग ब्रेक करेंगे ठीक है जी सबसिक्वेंट एडिशन की हम लोगों ने बात कर ली ये शंग्रीला एंटरप्राइजेस का क्वेश्चन था और इन्होंने 2019 में एक प्लांट जो है ना वो ला लाके सेटअप करना है अपनी फैक्ट्री में तो इसके ऊपर कुछ कॉस्ट और इसके एसेट्स वगैरह की बात हो रही है इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करने लगे हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ और फिर हम उसके बाद इस क्वेश्चन को जी जनाब कोई सवाल नहीं आया जी हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं आई कैप का पास्ट पेपर का एग्जाम स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है जी शंगरीला एंटरप्राइजेस का शंगरीला एंटरप्राइजेस के अंदर ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखते हैं दो हजार उन्नीस में उन्होंने करने की सोची है और उसके ऊपर उन्होंने कुछ काम भी किए हैं ठीक है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोटेन्स टू प्लांट पहली चीज टू वेंडर्स ए एंड बी सबमिटेड प्राइस एक ने सात सौ पचास मिलियन का एक ने आठ सौ मिलियन का रिस्पेक्टिवली दो लोगों ने कहा कि हमसे ये प्लांट ले लें ड्यू टू बेटर क्वालिटी वेंडर बी एंड आफ्टर प्राइस ऑफ द प्लांट एट मिलियन आठ सौ रुपया जो है वो आठ सौ मिलियन उन्होंने कहा कि आप हमसे ले लें आप हमसे आठ सौ मिलियन का प्लांट ले लें हमने कहा यार कम करो यार देखो तुम्हारे दोस्त भी हैं ये वो सारा कुछ करने के बाद हम लोगों ने वो सात सौ सात सौ अस्सी मिलियन का वो प्लांट जो है वो उससे ले लिया ठीक है अब मिलियन इज इट्स प्राइस जो कि हमें पे करनी पड़ी है इसकी कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ी है आगे चलते हैं उसने कहा द एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्लांट वाज फस्ड बाय सेलिंग एन ओल्ड प्लांट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज वन सेवेंटी मिलियन ठीक है जी एक सौ सत्तर मिलियन का एक प्लांट जो था जो आपके पास उसकी बुक वैल्यू पड़ी हुई थी वो आपने सेल कर दिया एक सौ चालीस मिलियन का वन फोर्टी मिलियन का ठीक है जी आपने कहा चलो कोई बात नहीं तीस मिलियन का हम यहाँ से लॉस खा लेते हैं लेकिन चलो एक सौ चालीस मिलियन तो ये सात सौ अस्सी मिलियन में से इधर से पूरी हो जाएंगे ठीक है जी अच्छा ये जो एसेट है जो आपने दे दिया है दिस इज आपने एसेट को डिस्पोज किया है ठीक है जब हम इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस वक्त हम इसको देखेंगे अभी तो हम लोग एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि एसेट की कॉस्ट क्या होगी तो एसेट की कॉस्ट के अंदर इस पॉइंट का कोई कंसर्न नहीं है आगे चलते हैं अराइवल ऑफ द प्लांट वॉज ओरिजिनली स्केज ऑन थर्टी वन बाई ट्वेंटी नाइनटीन एंड एट ए फ्रेट ऑफ रुपीज फाइव मिलियन पैंतीस लाख रुपया इसके ऊपर हमें फ्रेट भी पड़ गया था जनवरी ट्वेंटी बाई पेल फ्रेट ऑफ थ्री मिलियन ठीक है आपने एसेट को परचेज किया वो आना था इकतीस मार्च को और आपने कहा जी की मैं रिस्केजल कराना चाहता हूँ मुझे जरा जल्दी दे दे दें एसेट तो 1.5 मिलियन आपने एक्स्ट्रा दे दिया तो टोटल आपने 5 मिलियन जो है वो एसेट के फ्रेट पे पे किया अब ये जो 5 मिलियन है इसमें से चलो साढ़े तीन मिलियन जो है वो तो नॉर्मली लोगों का पड़ा था लेकिन ये जो डेढ़ मिलियन है ये इसलिए आपने मंगाया कि वो एसेट को आप जल्दी चाह रहे थे कि वो आपके पास आ जाए ठीक है जी फ्रेट का मतलब होता है कि आपने उस एसेट को जहां से मंगवाना है वो वहां से किसी गाड़ी पे बैठ के आएगा हो सकता है अगर आपने बाहर से मंगवाया है तो वो वो उसमें आएगा शिप में आएगा और फिर उसके बाद ट्रक में लोड होकर आपके पास आएगा तो जो जो आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करने पड़े उसे हम फ्रेट कहते हैं ठीक है जी तो ये पांच मिलियन का आपका फ्रेट है ये आपको पे करना पड़ा है अपने एसेट को इस कंडीशन में लाने के लिए कि वो इस, इस्तेमाल हो सके तो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ योर एसेट आगे चलते हैं वाइल्ड ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट वाज स्लाइटली डैमेज एंड रिपेयर टू मिलियन तो दो मिलियन रुपए उसकी रिपेयर के ऊपर भी लग गए तो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है आपको पता है रिपेयर वगैरह ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता तो हम इसको इसकी कॉस्ट में नहीं डालेंगे ठीक है जैसे हम लोगों ने बात भी की कि आप मोटर लेने आए हैं मोटर लेके आए हैं और मोटर आपसे गिर गई और आप उसे रिपेयर करेंगे तो अगले बंदे को ये थोड़ी बताएंगे कि दस हजार रुपए ये तो वही साहब हो गया ना ये एक साहब चल रहे थे तो सामने छिलका केले का पड़ा हुआ था वो उस पर स्लिप हो गए अगली तो दफा जब वो वहां से गुजरे तो वहां पे फिर केले का छिलका पड़ा हुआ था तो उसने कहा आज तो फिर फिसलना पड़ेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि हर दफा आप प्लांट गिरा देंगे लाते हुए प्लांट जो है वो नॉर्मली आपने अगर कोई इस तरह की गलती की है तो वो रिपेयर मेंटेनेंस है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए ठीक है जी अभी तक हम लोगों ने कहा कि कॉस्ट में कितना होना चाहिए सेवन एटी मिलियन होना चाहिए यहां पे लिख लेते हैं और इस कॉस्ट के अंदर यहां से कुछ नहीं आएगा हाँ इस पॉइंट से आपको दो चीज़ें पता चली हैं जो फ्रेट है वो पाँच मिलियन का है और जो रिपेयर मेंटेनेंस है जो रिपेयर है इसकी वो हमने नहीं डालनी रिपेयर की जगह पे हम जीरो लिखेंगे आगे चलते हैं जी साइड प्रिपरेशन वर्क वाज कंप्लीटेड एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज़ फाइव पॉइंट एट मिलियन 5.8 मिलियन जो है वो आपको साइट साइट प्रिपरेशन प्रिपरेशन में देना पड़ा। 1.2 ठीक है है जी। asset की के लिए इतनी भी कॉस्ट वो आपको उसके एसेट का पार्ट बनानी पड़ेगी राइट इंस्टॉलेशन वर्क वॉज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फैब एट द कॉस्ट ऑफ फाइव मिलियन इन एडिशन ओवरहॉलिंग ऑफ वन पॉइंट फाइव मिलियन

द प्लांट वॉज कस्टमाइज बाई आल्टरिंग सम पार्ट एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज ट्वेल्व मिलियन आपने प्लांट को आल्टर आल्टर किया है आपने उसको ऐसे सेट किया है कि वो आपकी इंटेंडेड कंडीशन में आ जाए द अल्टरेशन स्लोस डाउन द प्रोडक्शन प्रोसेस बट इट इज नेसेसरी टू अलाइन द प्लांट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आपका प्लांट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं होगा तो फिर वो यूज नहीं हो सकता तो ये मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम प्लांट लेते हैं लेकिन अगर वो प्लांट इस्तेमाल ही ना हो पाया तो वो आपके किस काम का तो अगर आप उसको अलाइन कर रहे हैं करंट प्रोडक्शन मैकेजम के साथ उसको अलाइन कर रहे हैं तो दिस कॉस्ट शुड बी दार्ट ऑफ योर एसेट यानी कि कॉस्ट का पार्ट बनेगी ये ट्वेल्व मिलियन जो है ना ये आपको एड करना पड़ेंगे ठीक है जी अच्छा आगे चलते हैं पॉइंट नंबर सेवन है

यूज़ होना शुरू हो जाए जब वो एसेट आपके लिए अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया उस इंटेंडेड कंडीशन में आ गया जिस कंडीशन में मैनेजमेंट चाहती थी कि ये आ जाए तो फिर हम इसे यूज़ करना शुरू करेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट का सिंपली दिल नहीं कर रहा था ये किसी और वजह से वो एसेट जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं किया तो बरहल फिर भी आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन उसी डेट से चार्ज करना शुरू कर देते हैं रिक्वायर्ड रॉ मेटीरियल कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज डिलेड टिल वन जून ट्वेंटी तो जो आपके लिए रेलिवेंट डेट होगी इस केस में वो वन मई ट्वेंटी नाइनटीन ही होगी और आप इस डेट के ऊपर जो है इसकी प्रोडक्शन इस डेट से इसकी डेप्रिसिए चार्ज करना शुरू कर देंगे वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ एंड इकनॉमिक लाइफ ऑफ ट्वेंटी ठीक है ऐसे दोनों चीजें बता दी उसमें पहली चीज बताई कि इसकी यूजफुल लाइफ और इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है इकोनॉमिक लाइफ वो होती है कि ये एसेट इन इट्स टोटल लाइफ साइकिल ये कितनी देर तक चल सकता है और ये इसकी इकोनॉमिक लाइफ होती है नॉर्मली लोग जो हैं वो इसकी कंपनीज अलग से यूजफुल लाइफ मेंटेन करती हैं कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है कितनी देर के बाद ये एसेट जो है हमें तंग करना शुरू कर देगा तो फिर हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो यूजफुल लाइफ नॉर्मली इकोनॉमिक लाइफ से कम होती है या इकोनॉमिक लाइफ के इक्वल ही होती है तो आप इस फैक्ट्री इस मशीन को कितनी देर इस्तेमाल करना चाहते हैं डैट विल बी योर यूजफुल है जो कि आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे इकोनॉमिक लाइफ जो होती है वो एक और कॉन्सेप्ट होता है कि ये टोटल पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी बंदे के पास ये मशीन कितनी देर तक चलेगी नॉर्मली मशीनों की इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा होती है यूजफुल लाइफ कम होती है जैसे हम लोगों ने बिल्डिंग्स की बात की तो बिल्डिंग के अंदर हम सोचते हैं कि पचास साल के बाद ये बिल्डिंग जाइए हमने रिप्लेस करनी है हो सकता है कि वो अगले पचास साल तक भी वो मशीन वो बिल्डिंग चल सकती होती है और ठीक चलती हो सकता है उसमें कोई मसला ना होता लेकिन फिर भी बिकॉज वी हैव डिसाइडेड इट्स यूजफुल लाइफ इज इज फिफ्टी ईयर्स तो हम पचास सालों के बाद इसको डिसमेंटल कर देंगे और फिर एक नया नई इमारत इसकी जगह खड़ी कर देंगे राइट right? ठीक है जी तो उसने ये कहा कि इसकी यूजफुल लाइफ के बाद इसकी यूजफुल लाइफ है 20 साल ये हमारे लिए रेलिवेंट है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए और इसकी एस्टिमेटेड जो रेजिड वैल्यू है वो हंड्रेड मिलियन है ये हमारे लिए रेलिवेंट है तो अगर हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे तो हम वन मई से करेंगे और अगर आप ये रहें इकतीस नवर 2019 की बात कर रहे हैं तो ये आपको मई जून और फिर उसके बाद आखिरी छह महीने यानी कि टोटल आठ मंथ नहीं सात महीने आपको ये यूज करना पड़ेगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ आठ महीने आप इस रेसिट की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और इस डेप्रिसिएशन की चार्जिंग के लिए जो आपके लिए कॉस्ट होगी दैट विल बी दिस और ये बन रहा है जी एट जीरो सेवन पॉइंट एट जीरो और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू बन रही है दैट इस रुपीज हंड्रेड मिलियन और इसका जो डेप्रिसिएशन बनेगी वो ट्वेंटी ईयर पे आपने चार्ज करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर चार्ज करनी है क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन एग्जामिन प्लांट एज ऑन थर्टी ट्वेंटी आपने कैलकुलेट करनी है तो इसके ऊपर आठ महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद द बुक वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड ठीक है जी अच्छा यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन देखते हैं फिर हम एक छोटी सी ब्रेक करेंगे बच्चों ने कहा कि सर वन पॉइंट फाइव क्यों एड कर रहे हैं हम अच्छा जी वन पॉइंट फाइव कौन सा है जी वन पॉइंट फाइव एड नहीं कर रहे भाई ठीक है ऐड नहीं कर रहे ये देखिये उसने कहा है इंस्टॉलेशन वर्क वॉज कैरिड आउट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेबरी ट्वेंटी कॉस्ट ऑफ रुपीज फाइव मिलियन ठीक है पांच मिलियन में से जो है वो ओवरहेड जो है वो वन पॉइंट फाइव मिलियन किया तो हम नहीं ऐड कर रहे अच्छा एडिशनल फ्रेड की आप बात करें एडिशनल फ्रेड में चलता है एडिशनल फ्रेंड में उसने कहा ना कि पैंतीस लाख ,00 का ही आ रहा है लेकिन अगर आप इसे जल्दी डिलीवर करा लेंगे तो 1.5 मजीद आपको देना पड़ेगा तो ठीक है हमने 1.5 पॉइंट एडिशनल दे दिया ये आपकी एडिशनल कॉस्ट है जो कि आपको पे करनी पड़ी है उस एसेट को लाने के लिए ये रेलिवेंट तो है ना एसेट के अंदर एक बच्चे ने कहा सर 140 फोर्टी एम माइनस नहीं करेंगे नहीं देखे वो हम करेंगे जब हम पेमेंट की कैलकुलेशन करेंगे कि किस एसेट को परचेज करने के लिए हमने पैसे कितने दिए हमने तो वो चीज कैलकुलेट नहीं करनी हमने तो कैलकुलेट करनी है एसेट की कॉस्ट और एसेट की कॉस्ट के अंदर तो सात सौ एसेट तो आया तो सात सौ अस्सी का ही है ना देखे एसेट सात सौ अस्सी का आया आपने कैश कितना दिया ये रेलिवेंट नहीं है ठीक है क्यों क्योंकि एसेट की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हैं आप अपनी कैश फ्लो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि आपने पेमेंट कितनी की है सही है अगर वो आपसे कहता बताएं आपने पेमेंट कितनी की है तो मैं कहता कि जनाब टोटल सात सौ अस्सी मिलियन का कैश है मैंने इसमें और भी बहुत सारी पेमेंट्स की है सात सौ अस्सी मिलियन का एसेट है और हर चीज जो है वो हम लोगों ने इसमें एड लेस की है अच्छा जी एक बच्चा कह रहा है जी अच्छा पहले इस सवाल का मैं जवाब दू वन फोर्टी मिलियन अगर वो हमें कहता है ना डिस्पोजल की एंट्री बताएं कि क्या होगी तो फिर हम वन फोर्टी को कंसिडर करते हैं ना फॉर द टाइम बिंग एज ऑफ नाउ दिस uh, थिंग जो कि एक्विजिशन में के वो लेने के लिए आपने 140 मिलियन का एसेट दिया है वो इसमें से माइनस नहीं करेंगे क्यों क्योंकि हम लोग एसेट की कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं एक बच्चा कहता है कोई चांस है कि रिपीट हो जाए भाई क्यों कह रहे हैं आप ऐसे ये आप वीडियो इसके लेक्चर्स देख लीजिएगा या अगर कोई एडजस्टमेंट में आपको समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें मैं आपको बता देता हूँ टोटल कॉस्ट एट एट जीरो सिक्स आ रही है सेवन एटी प्लस फाइव उसके बाद फाइव पॉइंट एट है पांच है बारह एट जीरो जीरो आ रही है, है जनाब दोबारा चेक कर लें कोई चांस है कि रिपीट कर लें रिपीट हो जाए देखिए एग्जामिनर देखता है कि बच्चों ने किस तरह के एरिया में कितना परफॉर्म नहीं किया अच्छा तो वो फिर उस हिसाब से बताता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके एग्जामिनर कमेंट्स क्या थे क्योंकि आपको पता है कि मैं नॉर्मली स्लाइड बना लेता हूँ एग्जामिनर कमेंट्स की लेकिन क्योंकि इस दफा मैं ये स्लाइड्स नहीं बना सका और ये बिल्कुल पहली पहली दफा है कि मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ तो क्रैश कोर्स का एक डिफरेंट तरीका कार होता है तो उसके लिए स्लाइड्स और वो वाली सारी चीजें बनानी होती है वो मैं लेकिन हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनर कमेंट्स कौन सा अटैम्प्ट जी इसको दिस इज स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी अटैम्प्ट का स्प्रिंग ट्वेंटी क्वेश्चन वन एग्जामिनर ने कहा कि पचपन फीसद लोगों ने इस एग्जाम को इस सवाल को पास कर लिया ठीक है इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म किया नॉर्मली जो गलतियाँ बच्चों ने की वो ये थी कि रिपेयर कॉस्ट या ओवर ओवरहेड एलोकेटेड कॉस्ट जो है और सेफ्टी इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में ऐड कर दी यानी कि बच्चों ने ये गलतियाँ की कि ये कॉस्ट में ऐड कर दी कुछ बच्चों ने ये वाली चीज़ कॉस्ट में ऐड कर दी एंड सो ऑन जो चीज़ें हैं वो इस वो कॉस्ट में कह रहे थे के ऐड कर रहे हैं एग्जामिन यूज इन करेक्ट रेजिड्यूल वैल्यू यूजफुल लाइफ एंड और रिमेंबर द मंथ ऑफ कैलकुलेशन उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने यह वाली जो कैलकुलेशन है कि आठ महीने डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है यह गलत कैलकुलेट की कुछ लोगों ने यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ का ही कुछ बच्चों को नहीं पता था तो उन्होंने यूजफुल लाइफ की जगह इकोनॉमिक लाइफ को ले लिया ओवरऑल दिस वॉज ए गुड अटेम्प्टेड क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अच्छा अटैम्प्ट किया था बच्चों ने फिफ्टी फाइव परसेंट लोगों ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया था क्यों क्योंकि इसमें मेजोरिटी चीजें बेसिक बेसिक वाली ही थी फिफ्टी फाइव परसेंट अच्छा परफॉर्म करने से दिए पचपन फीसद लोग ऐसे थे जो कि इसमें पासिंग मार्क्स सिक्योर कर पाए जी स्क्रीन स्टक ही है क्योंकि मैं इस लैपटॉप पे ओपन करके नहीं देख रहा मैं दूसरे लैपटॉप से ओपन करके देख रहा हूँ आपको क्वेश्चन ही नजर आ रहा है सर एक जून दो से लाइफ क्यों नहीं ले रहे देखे डेप्रिसिएशन का रूल ये होता है कि डेप्रिसिएशन आप उस डेट से चार्ज करते हैं जिस डेट पे वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड के ये अंदर ये रूल्स हैं स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली ये वाले वर्ड ये वाली बातें की हुई हैं और वो ये है कि जब आपका एसेट आप जिस इंटेंडेड यूज के लिए उसको रखना चाहते हैं कि यार ये इस तरह से हो तो फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे उस पोजीशन में आ जाता है तो फिर उसके बाद उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी चाहिए चार्ज करना शुरू कर देनी चाहिए सिंपली बिकॉज के आप उस एसेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे फॉर एनी रीजन के जनाब गवर्नमेंट का स्ट्राइक आपके इंप्लाइज का स्ट्राइक हो गया या आपको रॉ मटीरियल मिलना बंद हो गया तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि उस एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें ठीक है ना जैसे आप देखें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनर पूछ सकता है मैं आपको बता देता हूँ आई एस सिक्सटीन के अंदर के फर्स्ट करेंगे कि आपको रॉ मटीरियल नहीं मिला शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक साल में बारह महीने होते हैं ठीक है वो आपसे पूछेगा नहीं आपको बताएगा उसे भी पता है पता है में महीने होते हैं लेकिन वो कहते हैं कि जनाब साल में छह महीने रॉ मटेरियल ही नहीं मिला कोविड की वजह से तो बताएं कि क्या हम इस एसेट की छह महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि ये एसेट तो छह महीने चला या हम इस एसेट की जो है वो बारह महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये जो टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या इस तरह की चीजें होती हैं इसमें स्टैंडर्ड ने फिर एक रूल डिफाइन किया हुआ है कि किस टाइम से ज्यादा अगर एसेट ना चले आपका या किसी वजह से एसेट अब यूज में नहीं है और आपको लग रहा है कि डेप्रिसिएट नहीं हो रहा तो फिर आप उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें अदरवाइज उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी पंद्रह दिन तक स्टाफ फ्री बैठा रहा पंद्रह दिन तक आपको रॉ मटेरियल नहीं मिला तो आप ये नहीं करेंगे कि सिर्फ साढ़े ग्यारह महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें या ग्यारह महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें आप बारह महीनों की डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे ठीक है .80 है टोटल टोटल कॉस्ट कॉस्ट क्वेश्चन मार्क यस इज द द ऑफ एसेट जिसके ऊपर वो एसेट परचेज हुआ है अब आप इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कितनी देर की आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आठ महीनों की तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो फॉर्मूला होता है डाटे कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू ठीक है जी मल्टीप्लाई बाई वन ओवर यूजफुल लाइफ अगर परसेंटेज में रेट दिया हो तो वो तो इसकी जो कॉस्ट है डेट इज एट जीरो सेवन पॉइंट एट जीरो रेजिडल वैल्यू इस केस में हम लोग कितनी लिखेंगे इसमें से कितनी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे आप मुझे बताइए हम इसमें क्या हंड्रेड मिलियन माइनस करेंगे या फोर्टी मिलियन माइनस करेंगे जी जनाब हंड्रेड मिलियन माइनस करेंगे या फोर्टी मिलियन माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू इसकी हंड्रेड मिलियन है या फोर्टी मिलियन है हंड्रेड मिलियन है बिल्कुल ठीक है और इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो ट्वेंटी ईयर्स क्योंकि हम लोग इसकी यूजफुल लाइफ लेते हैं इकोनॉमिक लाइफ नहीं लेते हैं और आपको पता है कि ये आठ महीनों के लिए एट बाई टोटल जो डेप्रीसिएशन होगी वो ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव नाइन मिलियन की होगी तो इसकी नेट बुक वैल्यू जो उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो थी जनाब एट जीरो सेवन पॉइंट एट जीरो माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव नाइन मिलियन यानी कि टोटल सेवन एटी फोर ठीक है जी अब हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं ब्रेक करने के बाद हम लोग रिज्यूम करेंगे